एबीबीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी में स्थित खेड़ा फिरोजपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर है। लगभग 3000 की आबादी व 1650 वोटरों द्वारा सतीश कुमार कुशवाहा को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 550 राशन कार्ड धारक है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 54 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 9 खराब हैंडपंपों को भी रिपोर्ट कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 15 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली व चारागाह की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 145 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल का मैदान, शमशान घाट, जूनियर हाई स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। आदिवासी हूँ और मैंने जो है ग्राम पंचायत में ये 143 शौचालय, 5 इंटरलॉक सड़क निर्माण, 4 सीसी रोड और 15 सोलर लाइट और नरेगा नरेगा की दीवार भराई है और भी कार्य मतलब जो है कराने हैं और कुछ जो है सरकार से मांग भी करता हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, बारात घर आंगनबाड़ी का कोई केंद्र खोला गया लेकिन उसके लिए कोई इमारत नहीं है, खेल मैदान नहीं है, श्मशान नहीं है और 15 इंटरलॉक सड़क बनवानी है, 2 नाली और स्कूल और कासौंदीकरण कराना है और कुछ क्षतिग्रस्त सड़कें और स्कूल वो तैयार कराना, सही निर्माण कराना है उनका और 25 सोलर लाइट की और आवश्यकता है काम करते हुए मिलनी चाहिए। तो हमारी पंचायत के खाते में यानी पंचायत खेड़ा फिरोजपुर के खाते में अधिक से अधिक धन भेजें जिससे कि हम ग्राम पंचायत और गांव का अधिक से अधिक निर्माण कार्य करा सकें या उसका विकास करा सकें।